अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग वीकेंड के बाद दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक होगा बायोलॉजी के अंदर, जिसके बाद हमारी हाफ बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 7 तक हमारे 50% सिलेबस की कवरिंग हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप लोगों ने इतनी जल्दी सिलेबस कवर कर लिया है, आधा, और आधा हम फिर बाकी रिमेनिंग टाइम में कवर करेंगे। और एक आपको मज़े की बात बताऊँ कि पहला हाफ छोटा है लेकिन ज़्यादा पेपर इसमें से आता है, दूसरा हाफ बड़ा है लेकिन उसमें से पेपर कम आएगा। अगर हम चॉइस की बात करें तो पहले हाफ में से मैक्सिमम हम पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे ताकि दूसरे हाफ में हमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये किंगडम प्रोटिस्टा का तीसरा बड़ा ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जिसको फंजाए के साथ रखना चाहिए था, लेकिन डिफरेंसेस की वजह से इसको इन ऑर्गेनिज़म्स को किंगडम फंजाई से निकाल कर प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया, ताकि इररेगुलर ऑर्गेनिज़म सब के सब एक ही किंगडम में आ जाएं, और वो है किंगडम प्रोटिस्टा। सो ये भी क्या है, प्रोटिस्ट है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनको फंजाई से अलग-अलग क्यों किया गया और ये फंगस लाइक क्यों है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये फंगस लाइक क्यों है। पहली बात होगी कि सिमिलैरिटीज़ विद फंजाई, और इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, डिफरेंसेस फ्रॉम फंजाई, कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, फंजाई लाइक या फंगस लाइक इनको क्यों कहते हैं, और डिफरेंसेस क्या हैं, अगर वाकई ये फंगस लाइक हैं तो इनको फंजाई में क्यों नहीं रखा। फंजाई का किंगडम अलहदा है और प्रोटिस्ट का किंगडम अलहदा है। सिमिलैरिटीज़ इनकी दो हैं, फंजाई और फंगस लाइक प्रोटिस्ट दोनों की जो बॉडी होती है वो धागेनुमा हाइफी पे मुश्तमिल होती है। धागेनुमा हाइफी पे, दोनों के अंदर हाइफी होते हैं। हाइफी ऐसी बॉडी को कहते हैं जो धागेनुमा होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर मैं आपके सामने बनाऊँ तो इस तरह का इनका एक लंबा सा धागा होता है। ये क्रॉस वॉल्स वाला भी हो सकता है और बग़ैर क्रॉस वॉल वाला भी हो सकता है। देखिए, ये मैंने आपके सामने क्रॉस वॉल वाला हाइफी ड्रॉ किया है। ठीक है, हाइफी पहली सिमिलैरिटी, फंजाई का भी हाइफी होता है और इनका भी हाइफी होता है। और नंबर टू, बोथ आर हेटरोट्रॉफ्स, दोनों फोटोसेंसिस नहीं करते, हेटरोट्रॉफ्स हैं और अपनी खुराक एब्जॉर्बटिव, यानी एब्जॉर्बटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है एब्जॉर्ब करके हासिल करते हैं, ख़ुद नहीं बनाते, सो नॉट फोटोसिंथेटिक। तो इनको निकाला क्यों गया, ये डिफरेंसेस कौन से रखते हैं फंजाई से, फंजाई किंगडम अलहदा क्यों है और ये प्रोटिस्टा में क्यों है। नंबर एक, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आता है इनकी सेल वॉल का। इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज है, जबकि असली फंजाई की सेल वॉल में काइटिन है। असली जो फंजाई हैं उनके पास काइटिन है, इनकी सेल वॉल में काइटिन के बजाय सेल्यूलोज है। सो ये इनकी सिमिलैरिटी प्लांट्स के साथ शो करता है, तो इनको हमने फंजाई से निकाल दिया। नंबर टू, दूसरा जो है कि इनके पास सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जबकि फंजाई के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आपने लाइन लगानी है, एक तरफ लिखना है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, एक तरफ लिखना है फंजाई, और आपने बताना है फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है और फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। और यहाँ पे फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल, जो कि ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेली है, जो फंगस में
मौजूद नहीं होता जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में मौजूद होता है। सो ये मैंने आपको फंजाई के साथ इसका कंपैरिजन पढ़ा दिया, सिमिलैरिटीज़ वाइज भी पढ़ा दिया और डिफरेंसेस वाइज भी पढ़ा दिए। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं, बोथ वर दी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लें जी। अब आपने एक कमेंट करना है जो इसकी दो ग्रुप्स के नाम है। पहला ग्रुप का नाम है जी स्लाइम मोल्ड्स यानी माइक्सोमाइकोटा, स्लाइम मोल्ड्स, इनको टेक्निकली माइक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। जो माइकोटा का वर्ड है ना, ये फंजाई और फंजाई की तरह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और दूसरे जो इनके ग्रुप्स हैं उनका नाम है वाटर मोल्ड्स और इसको हम कहते हैं ओ माइकोटा या ओ माई सीड्स। तो तमाम बच्चे अब कमेंट करेंगे स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स क्या हैं? ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट की दो ग्रुप्स हैं। तो तमाम लोग कमेंट्स कर दें ताकि आप लोगों को ये दोनों नाम याद हो जाएं। स्लाइम मोल्ड्स की अपेयरेंस कैसी होती है? इनकी सबसे बड़ी जो मेन फीचर है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। जब ये फीडिंग कर रहे होते हैं, मीन जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, तब इनको हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। वो पता है ना स्टेजेस के नाम होते हैं, तो इनकी फीडिंग करने वाली स्टेज का नाम है प्लाज्मोडियम, जिसमें ये फीड कर रहे होते हैं। और ये कितनी ग्रो करती है? ये अप टू 30 सेंटीमीटर तक यानी 1 फुट तक ग्रो कर सकती है। और डायमीटर इसका 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कब? जब ये फीड कर रहा होता है। अब ये प्लाज्मोडियम होता कैसा है? अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, प्रॉपर अपीयरेंस की बात की जाए, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट मैस है। ऐसा मैस है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, गीली जगहों पर रहता है। मल्टी न्यूक्लिएट मैस है। हैबिटेट आपको मैंने बता दिया, गीली जगह हैं, डिकेइंग स्ट्रीम्स हैं, डैम्स हैं, डिकेइंग लॉग्स हैं, ये सारी वो जगह हैं जो गीली होती है। मैं इनका मतलब बता देता हूँ आपको। स्ट्रीम्स नदियों को कहते हैं, डैम्प जो है वो गीली इलाके होते हैं, डिकेइंग जहाँ पे चीज़ें डिकम्पोज हो रही होती हैं, लॉग्स कहते हैं जो दरख्तों का बड़ा पार्ट होता है लकड़ी वाला वो डिके हो रहा था, और लीफ लिटर कहते हैं जहाँ पत्ते कचरा बना देते हैं। ठीक है, और नंबर टू, ये नेटवर्क की तरह अपीयर होता है, काफ़ी ज़्यादा धागे इसके नेटवर्क बना रहे होते हैं और काफ़ी कवर जो है इसने किया होता है सरफेस को। जैसे जैसे क्रीपिंग करता है, मीन आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, इसका जो धागा है, जब धागा ये अपीयर होता है नेटवर्क की तरह इस तरह से, तो ये जहाँ जहाँ बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ से ये स्पोर बनाता जाएगा, स्पोर खाता जाएगा, बैक्टीरिया खाता जाएगा, और यीस्ट जो इसके रास्ते में आएगा वो ये खाता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी? न्यूट्रिशन। अपने से छोटे जो भी पार्टिकल्स इसके रास्ते में आएंगे ये उनको खा जाएगा। बैक्टीरिया आएगा उसको खा जाएगा, यीस्ट आएगा उसको खाया जाएगा, किसी के स्पोर आ जाएंगे ये उसको भी खा जाएगा, वगैरह वगैरह। और डेड ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसको तो इसने खाना ही खाना, ये इसकी खुराक हो गई जिसको ये डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है स्पोर फॉर्मेशन, जो मैंने आपको कई मरतबा पढ़ा दिया है। स्पोर बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, जब ऐसे हालात आते हैं जो बर्दाश्त नहीं होते। मैंने साइनोबैक्टीरिया में ये बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाया था, उसके अलावा नॉस्टॉक में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो इनके स्पोर बनते हैं, और स्पोर जिन स्ट्रक्चर में बनते हैं उनका नाम है स्पोरेंजिया। ये थैली होती है, अगर आपके सामने मैं बनाऊँ, अगर इसी को मैं थैली करार दूँ तो इसके अंदर ये काफ़ी सारे क्या हैं? स्पोर्स हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर स्पोर्स। और स्पोर्स कहाँ से बने हैं? इस थैली से बने हैं, और इस थैली का नाम क्या है? स्पोरेंजिया। ये स्पोर्स क्या करते हैं? जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये दोबारा से जर्मिनेट होते हैं, नया स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। अब जब ये स्लाइम मोल्ड जो है वो बनाते हैं, तो ये शुरू में बायफ्लैजिलेटेड होता है, मीन दो फ्लैजला वाला स्वार्म सेल होता है। इस स्पोर से स्वार्म सेल बन जाते हैं। व्हाट आर दी स्वार्म सेल्स? स्वार्म सेल्स आर दी न्यूली
जर्मिनेटेड सेल्स जो अभी अभी नए नए जर्मिनेट हुए हैं उनको हम स्वाम सेल्स कहते हैं, और ये सेल्स मिलकर जायगोट बनाते हैं, और जायगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो ऑर्गेनिज्म शुरू में हमने कहा था फीडिंग स्टेज का होता है। ये रिप्रोडक्टिव स्टेज थी, ये क्या थी, रिप्रोडक्टिव, मीन इससे रिप्रोडक्शन हो रही है नया प्लाज्मोडियम बनाने के लिए। ये प्लाज्मोडियम वो नहीं है जो हमने पहले पढ़ा है, ये स्लाइम मोल्ड की फीडिंग, जिस वक्त वो ग्रो कर रहा होता है उस वक्त की स्टेज का नाम है। और स्वाम सेल्स ये उस वक्त की स्टेज का नाम है जब ये स्पोर से जर्मिनेट होती है। अभी ये फीडिंग नहीं कर रही, अभी इसने जायगोट बनाना है, और जायगोट से फिर ये क्या बनाएगी, नया प्लाज्मोडियम बना देगी। ठीक है, तो छोटा सा साइकिल बनाते हैं, छोटा सा साइकिल। प्लाज्मोडियम इज़ अ फीडिंग स्टेज, ये आप लोगों ने बना लेना है। प्लाज्मोडियम अपने स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनाता है। स्पोर्स 1N होते हैं। स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो स्वाम सेल्स बन जाते हैं, ये भी 1N होते हैं। काफ़ी सारे स्वाम सेल्स बनते हैं, और दो स्वाम सेल्स मिलकर एक जायगोट बनाते हैं। जायगोट 2N होता है। दो 1N के सेल्स मिलकर एक जायगोट बनाएंगे, और जायगोट फिर कन्वर्ट हो जाएगा फिर से प्लाज्मोडियम में, जो कि फीडिंग स्टेज होगी। फीडिंग स्टेज 30 सेंटीमीटर तक ग्रो करेगी। जब रिप्रोडक्शन का वक्त आएगा तो ये स्पोरेंजिया में स्पोर बनाएंगी। स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, स्वाम सेल्स, और स्वाम सेल्स मिलकर दो स्वाम सेल्स मिलकर एक डिप्लॉइड जायगोट बनाएंगे, और वो फिर से, ये साइकिल आपने अपने बुक पर ड्रॉ कर लेना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आसान सा करके मैंने बना दिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड। इसकी आप लोगों ने एग्जांपल भी याद करनी है। फाइसरम पोलिसफेलम, ये लास्ट पैराग्राफ है। फाइसलम पोलिसफेलम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसको हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ग्रोथ स्टडी करनी हो, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग स्टडी करनी हो, और साइटोस्केलेटन मीन जो सेल के अंदरूनी मामलात हैं वो स्टडी करने के लिए हम फाइसरम पोलिसफेलम के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइसरम पोलिसफेलम। ये डायग्राम में बना भी हुआ है, किस तरह आपको नेटवर्क लाइक अपीयरेंस नज़र आ रही है, पेज नंबर 109 के लास्ट वाली डायग्राम के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डायग्राम जो बी डायग्राम है उसको गोल गोल से आपको स्पोरेंजिया नज़र आ रहे होंगे। स्पोरेंजिया जिस डंडी के साथ लगे हैं वो आपको मैंने पहले पढ़ाई हुई है, उसको हम स्टाक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाक। ठीक है, अगर आपने बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये स्पोरेंजिया है, और ये इसकी स्टाक है, और ये इसके अंदर पाए जाने वाले स्पोर्स हैं जो इसके बर्स करने पर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेबल करवा दी। आखिरी ग्रुप है हमारा वाटर मोल्ड्स, इनको हम ओमाई सीड्स या ओमाई कोटा भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फंजाई से क्लोजली रिलेटेड हैं, और इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज ही होता है। लिख देता हूँ मैं, देयर सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बुक वाले करेक्टर बता दूँ ताकि आपको याद हो जाए। इनका हाइफी एसेप्टेट होता है। ये वैसे अगले चैप्टर में आना, लेकिन अब नाम आ ही गया तो मैं आपको समझा देता हूँ। हाइफी मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया था तकरीबन कि धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो इनकी बॉडी बनाते हैं। ये अगर धागे नुमा स्ट्रक्चर है, इसके दरमियान अगर इस तरह की कोई क्रॉस वॉल नहीं है, सिंपल न्यूक्लिया ही पड़े हुए हैं सिर्फ, तो ये बग़ैर वॉल वाला, विदाउट क्रॉस वॉल वाला जो हाइफी है, ये एसेप्टेट। अगर दरमियान में इस तरह वॉल होती ना तो हम कहते हैं इसमें तो वॉल लगी हुई है, लेकिन वॉल देखें आपको नज़र नहीं आ रही। इस तरह का हाइफी एसेप्टेट होता है, और इसमें काफ़ी सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। पैथोजेनिक यानी ये डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये बहुत मशहूर पैरासाइट है, बहुत मशहूर पैरासाइट है जो कि पैथोजन है, डिजीज़ कॉज करता है पोटैटो पे। पोटैटो की जो फसल होती है, जो पोटैटो की क्रॉप होती है आलूओं की, ये उनमें एक बीमारी पैदा करता है जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो।
जिसमें सारे पोटैटो ख़राब हो जाते हैं, रॉटन पोटैटोज़ निकलते हैं, ख़राब पोटैटोज़, गंदे पोटैटोज़। तो बीमारी का नाम कमेंट करें सारे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये बीमारी बहुत मशहूर हुई थी जब आयरलैंड के अंदर एक कहत आया था। कहत कब आया था? 19वीं सेंचुरी के अंदर, जिसको हम आयरिश पोटैटो फमाइन कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस में आएगा जहाँ से ये मशहूर हुआ। आयरलैंड के अंदर आलुओं का कहत आ गया, आयरिश पोटैटो फमाइन। क्यों आया? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म ने, इस जानदार ने सारी आलुओं की फसलें तबाह कर दी, ठीक है, जिससे कहत आ गया, आलू तबाह हो गए। आयरलैंड का जो मुल्क है वो अपनी आमदन के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी इकोनॉमिक्स के लिए आलुओं पे डिपेंड करता है। उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा फसलें पोटैटोज़ की हैं, तो जब आलू तबाह हो गए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उससे 2,50,000 लोग तकरीबन से लेके मोर देन 1 मिलियन लोग जो है वो मर गए। यानी 2,50,000 से लेके 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो भूख की वजह से मर गए। जब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, आलू ख़राब हो गए, तो ख़रीदने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। सो इनका टोटल डिपेंड जो है वो आलुओं पे है, खाने के लिहाज से, बेचने के लिहाज से, पैसे कमाने के लिहाज से। तो सारे आलू तबाह हो गए। तो आपने क्या बताना है? बीमारी का नाम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टन से। कब हुई? आयरलैंड में 19वीं सदी में, जिससे आयरलैंड में आलुओं का, पोटैटोस का कहत आ गया और 2,50,000 से लेके 1 मिलियन से ज़्यादा लोग भूखी वजह से मर गए और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की तरफ हिजरत भी की। सो ये आपके इस ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस है। आपको इसका कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस वाज फेमस, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। सो आपने यही जवाब लिखना है जो आपकी बुक में 5 लाइनों का लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक था आज हमारा टॉपिक। जो मैंने आपको कमेंट्स किए हैं वो कर दें, बाकी भी इंशाल्लाह आपके इस टॉपिक से टेस्ट होगा, आपने अच्छी तरह ये सॉल्व करना है और एग्जांपल समेत आपने ये टॉपिक्स को याद करना है। लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आपने याद करने हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफिज़।